आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ झा। बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं, जिसका नाम है कंजूस करोड़ीमल। करोड़ीमल नाम का एक कंजूस आदमी रहता था। एक दिन वह नारियल खरीदने लिए बाजार गया। उसने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। नारियल वाले ने कहा, 4 रुपए का एक नारियल। करोड़ीमल ने कहा, 4 रुपए यह तो बहुत महंगा है, मैं तो 3 रुपए दूंगा। करोड़ीमल ने कहा। नारियल वाले ने जवाब दिया, यहाँ तो नहीं, यहाँ से 1 मील की दूरी पर आपको जरूरी 3 रुपए में एक नारियल मिल जाएगा। करोड़ीमल ने विचार किया, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चल लेने पर कम से कम 1 रुपए की तो बचत होगी। वे पैदल चलते चलते 1 मील तक गए तो वहां उन्हें एक नारियल की दुकान दिखाई दी। उन्होंने दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, 3 रुपए का एक। करोड़ीमल ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, मैं अधिक से अधिक 2 रुपए दूंगा। अगर तुम 1 मील आगे चले जाओ तो वहां तुम्हें 2 रुपए मिल जाएंगे, 2 रुपए का नारियल मिल जाएगा। दुकानदार ने कहा। करोड़ीमल ने फिर विचार किया, पैसा बहुत मूल्यवान होता है, 1 रुपए बचाने के लिए मील भर पैदल चलने में क्या हर्ज है। वे फिर चलते चलते 1 मील चले गए। वहां उन्हें नारियल की एक दुकान दिखाई दी। उन्होंने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। 2 रुपए का एक। नारियल वाले ने जवाब दिया। करोड़ीमल ने कहा, 1 नारियल के 2 रुपए, यह तो बहुत अधिक है, मैं तो केवल 1 रुपए दूंगा। तो फिर एक काम करो। नारियल वाले ने कहा, तुम समुद्र के किनारे किनारे 1 मील तक चले जाओ, वहां नारियल की कई दुकानें हैं, तुम्हें वहां 1 रुपए में ही नारियल मिल जाएगा। करोड़ीमल ने फिर विचार किया, 1 रुपया बचाने के लिए 1 मील चल लेने में क्या हर्ज है, पैसा बहुत मूल्यवान होता है। करोड़ीमल वहां से चलती चलती 1 मील दूर समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां नारियल वालों की कई दुकानें थीं। करोड़ीमल ने एक दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, 1 रुपए का एक नारियल। करोड़ीमल ने कहा, 1 रुपया, मैं तो इसके 50 पैसे दूंगा। नारियल वाले ने कहा, तो फिर सामने वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ और तोड़ लो जितनी चाहिए उतनी, तुम्हारा 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, करोड़ीमल ने कहा। और देखते ही देखते वे एक नारियल की पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से नारियल पकड़ा और उसे जोर का झटका दिया। नारियल तो टूट गया, पर साथ ही साथ पेड़ से उनके पैर की पकड़ भी छूट गई। फिर क्या था, करोड़ीमल नारियल सहित समुद्र की रेत पर आ गिरी। उनके पैर की हड्डी टूट गई और शरीर पर भी कई जगह खरोचे आई। एक नारियल के लिए करोड़ीमल को सिर्फ इतनी ही कीमत अदा करनी पड़ी। शिक्षा, लालच बुरी बला होती है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।